नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं इस वक्त आपके साथ राकेश कुमार। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आइए डालते हैं इस खबर पर एक नज़र। खबर आपको दिखा रहे हैं महोबा से, जहां पे पनवाड़ी थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और बाइक की सीधी टक्कर में दो युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। को बता दें कि जनपद के टोला पादर निवासी संतोष और उसका साथी किसी काम के चलते पनवाड़ी जा रहे थे, तभी सामने आ रही रोडवेज बस से बाइक सवार इन युवकों की सीधी भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा एम्बुलेंस के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने संतोष और उसके साथी को मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पाकर थाना क्षेत्र की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाने में था, मुझे सूचना मिली कि बहादुरपुर के पास पटेल ढाबा में एक एक्सीडेंट हो गया है। मोटरसाइकिल से दो लड़के हैं, वो काफी चोट खा गए। इस पर हम तत्काल वहां पहुंचे थे तो हमारी एम्बुलेंस जो है यहाँ की पहुंच गई थी। इनको दोनों चोटगिनों को लेके आ गए थे यहाँ अस्पताल में, और पहले इनका ज्ञात नहीं हो रहा था कहाँ के रहने वाले हैं। बाद में यहाँ जब हम भी आए, वहाँ मौके से आए, रोडवेज को, रोडवेज की बस और ड्राइवर को ले गए थाने, पहुँचवा दिए पुलिस बल से, और यहाँ पे जो है हम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। इनका पता भी चल गया है, संतोष सनाथ जगमोहन एक का नाम है, राजपूत हैं ये। दूसरे का नाम है नरेंद्र और लल्लू राजपूत, ये दोनों टोला रावत थाना मोहगंज के रहने वाले हैं। अभी नहीं, हमें पता है कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे, रोडवेज के बस के साथ इनकी एक्सीडेंट हुआ और बस के एक्सीडेंट होने के बाद ये दोनों घायल। जानकारी यहाँ तक है कि गाँव निवासी टोला पाथर गाँव पुलिस स्टेशन के आ रहे थे, दोनों रोडवेज वालों ने मार दिया है। हमारे पास जब आए तो दोनों की स्थिति थी कि दोनों बॉर्ड डेड थे, मरे हुए, दोनों डेड, मृत्यु की स्थिति में आए। ऐसी ही तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।